मध्य प्रदेश के वीर हरि निर्माण सेना के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजकुमार यादव सेसई जी हमारे साथ हैं। हम इनसे खास बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम आपका? राजकुमार यादव सेसई हूँ मैं, वीर हरि निर्माण सेना का मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ जी। बताइए सर, आपकी संगठन की स्थापना कब हुई? क्या है, जो संगठन है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज बहादुर यादव जी के नेतृत्व में, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे, उन्होंने इस संगठन का निर्माण किया है और लगभग 1.5 साल पहले इस संगठन का निर्माण हुआ है। संगठन यादव समाज की सेवा के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया है। और आपके संगठन के क्या उद्देश्य? हमारा संगठन मध्य प्रदेश में जो है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय तेज बहादुर यादव जी के नेतृत्व में जिस संगठन को बनाया गया, उस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है यादव समाज के जो है शोषित वंचित और गरीब व्यक्ति हैं उनकी सेवा करना, है हमारा संगठन का महत्वपूर्ण उद्देश्य है। साथ ही साथ मैं बताना चाहूँगा आपको प्रमुख रूप से कि यादव समाज के अलावा भी अगर जो व्यक्ति शोषित हैं, वंचित हैं, दीन हैं, दुखी हैं, उनकी जो सेवा करने का काम भी हमारा संगठन करता है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तेज बहादुर यादव जी पूरे देश में, उनके नेतृत्व में लगातार यादव समाज की जो है गरीब युवा जो है उनकी मदद की जाती है और संगठन को मजबूत लगातार उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। मुझे पिछले 6 महीने पहले यहाँ पर मध्य प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तब से मैं यादव समाज की लगातार सेवा कर रहा हूँ। यादव समाज का जो संगठन है ना, मध्य प्रदेश में यादव समाज की एकता का मिसाल बनते हुए लगातार प्रदेश में बहुत तरक्की कर रहा है और जो है दीन दुखी शोषित वंचित यादव समाज के लोगों की मदद करने का काम कर रहा है जी। और यादव जी एक बात और ये है, संगठन आपका जो संगठन है किन किन लोगों के लिए ये काम करता है? हमारा जो संगठन है, महत्वपूर्ण रूप से मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो संगठन है विशेष तौर से क्या है, यादव समाज के जहाँ भी यादव समाज के साथ किसी भी तरह का कोई अत्याचार होता है, किसी भी तरह का कोई उनका शोषण किया जाता है, तो उनका जो है संगठन मदद करता है और मैं वहाँ पर सबसे पहले संगठन की समाज के लोगों की मदद करने के लिए मैं पहुँचता हूँ। रही बात मदद करने की, तो अगर इसके अलावा भी अगर किसी भी समाज का व्यक्ति हो, उस पर अगर किसी भी तरह का कोई जुल्म हो रहा है, जोर हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसका शोषण हो रहा है, तो उसके लिए भी हमारा संगठन वगैरह बराबर आगे बढ़कर के काम करता है और दीन दुखी लोगों की सेवा करने का काम करता है हमारा संगठन जी। अब आपके संगठन पे आ जाते हैं कि आपके संगठन में अभी कहाँ तक आपका संगठन पहुँचा और कितने लोग इसमें जुड़ चुके हैं मध्य प्रदेश? देखिए क्या है, मध्य प्रदेश में जो संगठन की बात करने मैं बताना चाहता हूँ आपको, महत्वपूर्ण रूप से मैं बता देना चाहता हूँ कि संगठन जो है मध्य प्रदेश में लगभग सभी जिलों में पहुँच चुका है और हमारे संगठन में सभी जगह जिला अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, प्रदेश की कार्यकारिणी, ग्राम पंचायत अध्यक्ष, ग्राम पंचायत में कोषाध्यक्ष, ग्राम पंचायत में कार्यकारिणी सदस्य, लगभग एक एक ग्राम पंचायत में हमारा कहीं ना कहीं 200 से ऊपर सदस्यता नियुक्त हो गई है। और हमारे जिस संगठन के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है वो मैं बता देना चाहता हूँ कि प्रत्येक ग्राम में एक फेसबुक पर एक जो है पेज बनाया जा रहा है, प्रत्येक ग्राम के नाम से पेज बनाया जा रहा है और पेज के माध्यम से भी सोशल मीडिया पर प्रचार प्रसार किया जा रहा है, संगठन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, सभी पर हमारे एक ग्राम वाइज जो है पेज बनाया जा रहा है जिससे कि समाज को मजबूत किया जाए, समाज को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए और समाज के साथ साथ ओबीसी के अंतर्गत जो भी समाज आती है उनके हक की हम लड़ाई लड़ेंगे और यादव समाज की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं और हमेशा ही लड़ते रहेंगे जी। आखिरी सवाल है आपसे कि आगे चलकर भविष्य में अगर किसानों पर बात आती है, आपकी समाज पर बात आती है, ओबीसी पर बात आती है, तो आप किसी पार्टी में जाना पसंद करोगे या फिर आप समाज में ही आप काम करते रहोगे? देखिए मैं बताऊंगा आपको कि हमारा यादव समाज का संगठन है, जहाँ तक मेरी खुद की व्यक्तिगत बात है तो मैं किसी भी तरह का कोई भी राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ूंगा क्योंकि मैं समाज को मजबूत करना चाहता हूँ। मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि समाज मजबूत हो, समाज पर किसी भी तरह का कोई अत्याचार ना हो, अनाचार ना हो। मुझे सड़क पसंद है, मैं सड़क पर जाना पसंद करूँगा और मैं आज तक भी किसानों की, ओबीसी की, यादव समाज की जो सड़क पर लड़ाई लड़ता हूँ और वही लड़ाई को हमेशा लड़ता रहूँगा जी। और मैं आपको एक बात मैं बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, हमारा भी रही निर्माण सेना का ये लोगो है, तो ये लोगो हमने अभी लगभग 10 लाख जो है लगभग चुके हैं सभी जिलों में, 10 लाख के जो है, चाहे वो फोर व्हीलर हो, चाहे वो टू व्हीलर हो, सभी गाड़ियों पर, चाहे वो ट्रैक्टर हो, किसान चूंकि यादव समाज है, किसानी क्षेत्र से जुड़ी हो, सभी पर हमने ये लोगो पूरा 10 लाख लगवा चुका है।
अभी लगभग 2 से 3 महीने में हम लगभग 1 करोड़ गाड़ियों पर, चाहे वो 4-व्हीलर हो, सभी पर लगवा रहे हैं और लगवाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि संगठन का प्रचार प्रसार होकर यादव समाज जो जागरूक हो सके और यादव समाज के साथ जिस तरह आज तक जो गुमराह करने का काम किया है, वो यादव समाज का युवा हो या वरिष्ठ हो या महिला वर्ग हो, आप देख रहे हैं लगातार, आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया पे जो महिला वर्ग में भी वो वीरेंद्र मान सेना के नेतृत्व में यादव समाज को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, लगातार महिला भी घर से निकल करके आगे जागरूकने का काम कर रहे हैं। तो इसलिए हमारा जो प्रमुख उद्देश्य है वो लगभग पूरा हो रहा है और लोग यादव समाज के सभी लोग वीरेंद्र मान सेना संगठन के नेतृत्व में सभी लोग एकजुट होकर के काम कर रहे हैं।